स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, विच इज नॉट अ पॉलीनोमियल, इन्हों विचों केड़ा पॉलीनोमियल नहीं है। ये चार ऑप्शन दिखाई हैं, आपां दसना है कि इन्हों विचों केड़ा पॉलीनोमियल नहीं है, जां पंजाबी विच इसनूं पढ़ांगे केड़ा बहुपद नहीं है। ये चार ऑप्शन हैं, ये चार ऑप्शन दे विचों आपां चैक करना है कि केड़ा बहुपद नहीं है। तो आओ पहला थोड़ा बहुपद के बारे डिस्कस कर लेने हैं। पहला आपां पता होना चाहिए वेरीएबल, वेरीएबल नूं पंजाबी विच कहा जाता है चल। तो हुण जिस तरह इस वेरीएबल केड़ा है एक्स, इत्थे वेरीएबल एक्स है, इत्थे वेरीएबल यूज हो रहा है वाई, इत्थे भी वाई। इट मीन इन चारों में अपने को केड़े वेरीएबल हैं एक्स ते वाई यूज हो रहा है। तो आपां किसे जो अपने को एक्सप्रैशन है उसनों पॉलीनोमियल आपां उस वेले कहना है जो वेरीएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो गए। वेरीएबल केड़ा है एक्स ते वाई, मतलब एक्स ते वाई की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए है। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इन विचों कोई भी होएगी तो उसनों आपां वेरीएबल उस पूरे एक्सप्रैशन नूं आपां पॉलीनोमियल कह देना है। जेकर होल नंबर नहीं है, कोई होल नंबर अपने को इन्हां तो अलावा आ जाए तो उस एक्सप्रैशन नूं आपां पॉलीनोमियल नहीं कहना है। पॉलीनोमियल मतलब बहुपद, वेरीएबल मतलब चल। चल की जो घात है वो आपां चेक करनी है कि जिथे जिथे चल है उसकी घात जो है वो अपने को पूर्ण संख्या होनी चाहिए है, 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर होने चाहिए हैं। जे इन्हां तो अलावा कोई होर नंबर इस तरह आ जाता है अपने को तो उसनों आपां कहना है कि वह जो एक्सप्रैशन है पॉलीनोमियल नहीं है। तो आओ हुण देखते हैं कि इन्हां विचों केड़ा इस कंडीशन सैटिस्फाई करता है तो केड़ा नहीं करता है। पहले विच देखो जो घात है इत्थे 2 है, इत्थे 1 है, 2 ते 1 ये अपने को की है एक पॉलीनोमियल है, क्योंकि जो एक्स की जो पावर है वो अपने को एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। इसी तरह इस दे विच जो एक्स है वेरीएबल है, वेरीएबल की पावर 2 है, तो 2 भी अपने को की है एक होल नंबर है। इट मीन ये भी अपने को एक पॉलीनोमियल है। हुण इस दे विच अपने को जो वेरीएबल है चल है वह वाई है, इत्थे वाई की घात 3 है, इत्थे वाई की घात 1 है, तो 1 ते 3 ये अपने को की हैं जो होल नंबर हैं। इट मीन ए वाला एक्सप्रैशन भी अपने को पॉलीनोमियल है। तो हुण इस एक्सप्रैशन भी देखते हैं, इत्थे वाई की पावर 2 है, तो पहला देखो इसनों आपां थोड़ा रीअरेंज करते हैं। वाई की पावर 2 ए 2 है, इस वाई की पावर नीचे 1 है, जो इसनों उपर लेके जाना है तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी -1। पहला आपां कोई भी जो वेरीएबल है वो अपने को नीचे नहीं होना चाहिए, सारे वेरीएबल उपर होने चाहिए। इट मीन नीचे जो अगर वाई है तो उसनों आपां उपर ले जाना है, तो उपर जाके इसका जो पावर है वो साइन चेंज हो जाएगा, 1 है उपर जाके -1 आ जाएगा। हुण ध्यान नाल देखो इत्थे ते पावर 2 है, लेकिन ए वाली जो पावर है वो अपने को माइनस विच आ गई है, तो जो होल नंबर हैं वो अपने को 0 तो अगे होंगे हैं तो -0 तो पिछे होंदा है। इट मीन ए वाला जो एक्सप्रैशन है ए वाला अपने को एक पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेरीएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है इस जगह पर। तो इट मीन ये जो डी वाली ऑप्शन है ये अपने को बहुपद नहीं है या नॉट अ पॉलीनोमियल। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, ये अपन एक पॉलीनोमियल दिता है तो इस पॉलीनोमियल की अपना की पता करनी है डिग्री, या उसनों डिग्री नूं अपां कह देने हैं पंजाबी विच बहुपद की घात। इस बहुपद की इस पॉलीनोमियल की पॉलीनोमियल नूं की कहा जाता है पंजाबी विच बहुपद, तो इस बहुपद की इस पॉलीनोमियल की आपां की पता करनी है डिग्री पता करनी है। ये चार ऑप्शन दित्ती हुई हैं 1, 2, 3, 4। तो पहला तुहानू डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की होंदी है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरीएबल, जो भी अपने को वेरीएबल है उसकी आपां सब तो वड्डी पावर देखनी है। वेरीएबल नूं की कहा जांदा पंजाबी विच चल, चल की सब तो वड्डी घात, तो इत्थे चल अपने को किहड़ा है एक्स, वेरीएबल किहड़ा है अपने को एक्स है। तो आप इस वेरीएबल दे विच इस पॉलीनोमियल दे विच जिथे भी एक्स लिखा है उसकी आप घात चैक करनी है, पावर चैक करनी है। इत्थे पावर 3 है, इत्थे 4 है, इत्थे 2 है, तो इन्हां विचों सब तो वड्डी पावर केड़ी है 4। इट मीन इस पॉलीनोमियल दी जो डिग्री होएगी वो कितनी होएगी 4 होएगी। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, कॉफिशेंट ऑफ वाई इन दिस, ये अपने को एक पॉलीनोमियल दिता है। इस पॉलीनोमियल दे विच आपां कॉफिशेंट ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, या पंजाबी विच इसनूं इस तरह कहांगे ये जो बहुपद है उस विच आपां वाई दा गुणाक, वाई दा गुणाक नूं आपां इंग्लिश विच कह देने हन कॉफिशेंट ऑफ वाई। ये आपां फाइंड आउट करना है कि इस पॉलीनोमियल दे विच अपने को वाई दा गुणाक केड़ा है जां कॉफिशेंट ऑफ वाई केड़ा है। तो चार ऑप्शन दित्तियां होईयां हन,
हुण y दा गुणक जां कोफिशिएंट्स की हुंदा है जो y दे नाल नंबर लग्या है। पहला मैं एक पूरी तुहानूं एक्सप्रेशन लिख दिता है, पॉलीनोमियल लिखता है। हुण पॉलीनोमियल दे विच तुसीं फाइंड आउट करना है y, y किथे अपने को, कल्ला y, इत्थे y स्क्वेयर है, कल्ला y देखो अपने को किथे है जी, कल्ला y अपने को a है। तो इस y दे नाल जिहड़ा नंबर उस दे अगे लगा होया, उस दे नाल मल्टीप्लाई है, उसनूं आपां की कह दिंदे हन, उसका कोफिशिएंट जां उसका गुणाक। इट मीन केड़ी ऑप्शन अपने को राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माइनस फाइव, जो वाई का कोफिशिएंट है वो उस दे नाल नंबर लगा है माइनस फाइव है, तो इस मीन वाई का जो गुणाक है वह कितना आ जाएगा, माइनस पांच आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, एक पॉलीनोमियल है, इस पॉलीनोमियल दा अपन जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल दिस इज, तो ये अपने को चार इस दिया ऑप्शंस हैं, ये चार ऑप्शन च अपना देखना है कि इस पॉलीनोमियल दा जीरो केड़ा है, ते जां उसनू पंजाबी विच अपन इस तरह पढ़ांगे, बहुपद पी एक्स दा सिफर, सिफर मतलब जीरो, जीरो नू अपन सिफर कह देने, सिफर की होगा, तो ये अपने को इस दिया चार ऑप्शंस हैं। तो किसी भी पॉलीनोमियल का आपां जीरो किस तरह फाइंड आउट करना है, जां उसका सिफर किस तरह फाइंड आउट करना है, जो भी आपां नूं पॉलीनोमियल देता है आपां उसनूं इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। ये पॉलीनोमियल अपने को केड़ा है, इत्थे टू एक्स प्लस फाइव, इसनूं आपां इज इक्वल टू जीरो करके इत्थों आपां एक्स का मुल फाइंड आउट करना, एक्स की वैल्यू, ये टू एक्स एज इट, ये प्लस फाइव है, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा अपने को माइनस फाइव, ते जो भी एक्स दे नाल मल्टीप्लाई है जो नंबर उस दे नाल आपां दोनों ही साइड ते की कर देना हुंदा है डिवाइड, इट मीन टू एक्स अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन टू, टू ना टू कैंसल हो गया, इट मीन एक्स अपने को आ गया है माइनस फाइव बाय टू, ते एक्स दी अपने को वैल्यू आ गई है माइनस फाइव बाय टू। हुण आपां चेक करना है कि कोई ऑप्शन है अपने को माइनस फाइव बाय टू, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माइनस फाइव बाय टू इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, जां इस बहुपद दा सिफर किया जाएगा माइनस पांच बटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल दिस व्हेन टी इज इक्वल टू टू, जदों आपां इस पॉलीनोमियल दे विच जेकर टी दी जगह ते आपां टू फिल कर देने हन, भर देने, जिथे इत्थे आपां नूं टी नजर आ रहा है उत्थे आपां टू फिल कर देना है, तां इस पॉलीनोमियल दी जो वैल्यू आएगी वह केड़ी आएगी, ये चार ऑप्शन आपां दित्तियां हन, टू थ्री फोर जां एट, जां पंजाबी विच इस तरह पढ़ांगे, ये जो बहुपद है आपां दित्ता होया, इस बहुपद का मुल पता करो जदों टी बराबर दो होवे, ते जिथे इत्थे आपां नूं टी नज़र आ रहा है उत्थे उत्थे आपां की फिल कर देना है, टू फिल कर देना है। तो आओ देखते हैं कि इन्हां चारां विचों किहड़ी ऑप्शन अपने को आउंदी है जी, आपां जिथे टी नज़र आ रहा है उस जगह ते आपां की फिल कर देना है, टू फिल कर देना है। ध्यान नाल देखो, ए टी है, ए टी दी पावर टू है, इतने टू आ जाएगा, टू की पावर टू, माइनस ए टी की जगह मैं बॉक्स खाली छड़ देता, उपर पावर थ्री है, तो टी की जगह आप फिल कर देना है, टू फिल कर देना है, ए टू आएगा, ए भी टू एज इट आ जाएगा, ए भी टू एज इट आ जाएगा, टू की पावर टू, टू नू टू दे नाल आप मल्टीप्लाई कर देना है, फोर आ जाएगा, टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री का मतलब है दो नू आप तीन बार मल्टीप्लाई करना, तो ये अपने को आ जाएगा एट, टू प्लस टू, ए फोर नू टू ना मल्टीप्लाई करांगे एट, ए माइनस एट। हुण ना ध्यान देखो, प्लस एट ते माइनस एट आपस विच कट जाणगे, टू प्लस टू, ते ए आंसर अपने को आ गया है फोर, ते देखो केड़ी ऑप्शन अपने को सही है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस पॉलीनोमियल विच जिथे इथे टी है उथे उथे आपां टू फिल कर दिता है, ते लास्ट विच अपने को जो आंसर आया है वो आया है फोर, इट मीन वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल व्हेन टी इज इक्वल टू टू इज फोर, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह जी, इफ एक्स रेज टू पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 देन रिमाइंडर इज, जेकर इस पॉलीनोमियल नूं आपां इस पॉलीनोमियल दे नाल डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वह आपां फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर मतलब जो लास्ट विच बाकी बचेगा। इस पॉलीनोमियल नूं इस बहुपद नूं इस बहुपद दे नाल भाग करन ते बाकी की बचेगा, तो ये चार ऑप्शनस हैं अपने को, तो इस तरह तरह के क्वेश्चंस विच आपां इन्हां नूं भाग नहीं करना, अपने को आपां लगानी है रिमाइंडर थ्योरम, बाकी थ्योरम लगानी है, वह किस तरह लगानी है, जिस दे नाल आपां डिवाइड करना है पहला आपां उस नूं जीरो दे इक्वल पुट कर देना, इत्थे आपां किस दे नाल भाग कर रहे हैं, एक्स प्लस एक दे नाल, एक्स प्लस एक नूं आपां जीरो पुट कर देना है,
तो इतों आप एक्स का मूल कर लेना है, इधर प्लस वन है, ये वन उधर जाके हो जाएगा माइनस वन। एक्स का मूल अपने को आ गया है माइनस एक। ये जो माइनस एक अपने को वैल्यू आई है, ये जो इस बहुपद है इस दे विच आपां भर के ते जो भी अपने को आंसर आएगा वह रिमेंडर आ जाएगा या बाकी आ जाएगा। तो हूँ आप रिमेंडर किस तरह फाइंड आउट करना है, रिमेंडर या उसनों पंजाबी विच कह देने हैं बाकी किस तरह फाइंड आउट करना है। ये जो अपने को पॉलीनोमियल है इस दे विच जिथे जिथे तुहानू एक्स नज़र आ रहा है उस विच आपां माइनस एक फिल कर देना है। तो ये देखो एक्स दे उपर पावर किन्नी है 51 प्लस 51, इथे एक्स सी ते एक्स की जगह आपां फिल कर देना माइनस वन। हुण एक्स माइनस वन की पावर ये ध्यान देखो कि इतने अपने को पावर की है, क्योंकि माइनस वन की जो पावर है जेकर उसनों आपां सोल्व करते हैं तो आंसर वन भी आ सकता तो माइनस वन भी। तो आपां नूं चैक करना पएगा कि ए वाला जो नंबर है वह ईवन नंबर है या ऑड नंबर है। जेकर माइनस वन की पावर ऑड हो गए, ऑड नंबर है जिसनों आपां पंजाबी विच कह दिंदे हां टांक, तां आंसर माइनस वन आउंदा है। जेकर माइनस वन की पावर ईवन नंबर है या जिसनों आपां पंजाबी विच कह दिंदे हां जिस्त संख्या, तां आंसर अपने को वन आउंदा है। हुण जो 51 है, माइनस वन की पावर 51 है, तो 51 आपां नूं पता है किहड़ा नंबर हुंदा है, ऑड नंबर टांक संख्या। तो इट मीन माइनस वन की जो 51 पावर है उसका आंसर माइनस एक आएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा माइनस वन पूरे का प्लस 51। तो माइनस वन माइनस 51 के जेकर आप माइनस वन कर देने 51 के एक माइनस कर देने आप आंसर अपने को कि आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसनों ध्यान ना समझो 51 अपने को प्लस देने, वन अपने को माइनस का है। 51 के वन आप माइनस कर देना है तो अपने को आंसर की आएगा 50। तो देखो कि ऑप्शन अपने को राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इतने बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्लस माइनस के इस जगह माइनस 50 लिख देने हैं, जो कि अपने को डी ऑप्शन आ जानी सी, फिर उन्होंने आंसर गलत हो जाना सी। इट मीन इतने आप देखना है कि ध्यान ना प्लस माइनस नू करना है, तो राइट ऑप्शन अपने को कि है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, इफ एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ के। एक्स प्लस वन इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है, तो इस पॉलीनोमियल दे विच जो के है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। जब पंजाबी विच इस तरह कहांगे, जेकर एक्स प्लस एक बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है तो आप के का मूल पता करना है, के का मूल की होगा। तो ये चार अपने को ऑप्शन दिखाई हैं। ये क्वेश्चन भी आप सेम उस तरह करना है जो पिछला क्वेश्चन किया है, कि जो x प्लस वन है जो उसका फैक्टर है पहला आप उस फैक्टर नू इज इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, तो उतो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। एक प्लस वन है दूसरी तरफ जाके माइनस वन हो जाएगा। हुण आप करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करने लिए, ये जो x की जो वैल्यू है जिथे जिथे अपने को पॉलीनोमियल विच x है उथे फिल कर देना है, तो इसनू इज इक्वल टू जीरो लिख देना है। ध्यान ना देखो 4x³ 3 एक्स स्क्वेयर, मैं एक्स की जगह ब्रैकेट पाती है कि इस जगह पर आप जो एक्स का मूल है फिल कर देना है, माइनस 4x+k। तो आप जिथे जिथे एक्स की वैल्यू है एक्स की जगह की फिल कर देना है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो इज इक्वल टू आप लिख देना इसमें जीरो। हूँ ध्यान देखो माइनस वन की पावर की है ऑड नंबर, हूँ ही आप पिछे किए थे क्वेश्चन में, जेकर ऑड नंबर हो गए तो माइनस वन ही आता है टांग संख्या है। माइनस वन की पावर टू, टू अपने को ईवन नंबर है जिस्त संख्या, इतने वन आ जाएगा। तो इसनों आप मल्टीप्लाई करांगे माइनस फोर माइनस वन के माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा प्लस के इज इक्वल टू जीरो। फोर माइनस ना करांगे माइनस फोर, थ्री वन का थ्री फोर प्लस के इज इक्वल टू जीरो। हुण इत्थे ध्यान ना देखो ये जो माइनस चार दे अगे माइनस है इस चार दे अगे प्लस है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हूँ अपने को की बच गया है 3+k = 0। तो जेकर मैं इस के नू इस 3 नू दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इतने प्लस का साइन है जो इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा वो माइनस 3 हो जाएगा। इट मीन जो के की वैल्यू है, ये जो के की मूल अपने को नहीं पता सी, इस के की जगह पर अपने को किया जाएगा माइनस 3। इट मीन केड़ी ऑप्शन अपने को राइट है, इन्हें डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह जी, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल दियां आपां नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनियां हन।
सिफरां किनियां हन होणगियां इस बहुपद दियां सिफरां सिफरां मतलब जीरोस किनियां होणगियां चार ऑप्शन हन 5 3 1 जां 7 ते आपां हुण नंबर ऑफ जीरोस जां सिफरां किस तरह फाइंड आउट करदे हां आपां पॉलीनोमियल लिख लिया इस पॉलीनोमियल विच जो एक्स जो वेरिएबल है चल है उसकी सब तो वड्डी घात आपां चेक करनी है इत्थे एक्स की घात 3 है इत्थे एक्स की घात कोई नहीं है इहदा मतलब 1 है ते ये जो एक्स की सब तो वड्डी घात होएगी यही आपां नूं दसदी है सिफरां की गिणती नंबर ऑफ जीरो ते इस विच अपने को एक्स की सब तो वड्डी घात कि है एक्स दियां दो ही घात हैं अपने को इत्थे 1 है इत्थे एक्स की घात 3 है ते जो एक्स की घात वड्डी होएगी उही आपां नूं दसेगी सिफरां दियां गिणतियां उन्नियां ही होणगियां अपने को नंबर ऑफ जीरोज किन्ने होंगे इस पॉलीनोमियल दे अपने को 3 हो जाएंगे इट मीन बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह जी द वैल्यू ऑफ 50 स्क्वेयर माइनस 49 स्क्वेयर इत्थे 50 दा स्क्वेयर है ते 49 दा स्क्वेयर है विचों माइनस ते आपां फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू किन्नी होगी जां 50 दा वर्ग माइनस 49 दा वर्ग इसका मूल किन्ना होगा ते ये आपां इस तरह नहीं करना है कि 50 नूं दो बार गुणा कर देना है ते 49 नूं दो बार गुणा कर देना फिर विचों माइनस कर देना है इस तरह आपां नहीं करना इस नूं आपां एक आइडेंटिटी दे हेल्प नाल करांगे ते आइडेंटिटी अपने को कि होंगी है अलजबरिक आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का अपने को की फॉर्मूला होंदा है पहली ब्रैकेट विच ए प्लस वन ए प्लस बी ते दूसरी ब्रैकेट दे विच आपां लिखना होंदा ए माइनस बी ते हुण ध्यान नाल देखो इत्थे ए ते बी अपने को की हन इत्थे 50 है ए ते 49 अपने को है बी ते इट मीन इत्थे अपने को दो ब्रैकेट्स बन जाणगीआं इस दीआं पहली ब्रैकेट विच आएगा 50 प्लस 49 ते दूसरी ब्रैकेट दे अंदर आएगा 50 माइनस 49 हुण 50 दे विच आपां 49 नूं जे ऐड कर देने हन ते आ जाएगा 99 पहली ब्रैकेट दे विच 50 दे विचों 49 नूं माइनस कर दिओ तो ए 1 आ जाएगा हुण 99 नूं 1 दे नाल आपां मल्टीप्लाई करना है ते अपने को आंसर किन्ना आ जाएगा 99 आंसर आ जाएगा अपने को ते देखो किहड़ी ऑप्शन सही है अपने को सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ते इस आइडेंटिटी नूं तुसीं याद रखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ते कई सम्स दे विच आपां नूं इस नूं यूज करना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किस दे इक्वल हुंदा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई पहली ब्रैकेट दे विच ए प्लस बी दूसरी ब्रैकेट दे विच ए माइनस बी नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 दैन एक्स वाई एक आपां नूं वैल्यू दिती हुई है एक्स प्लस वाई दी वो 4 दे इक्वल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किस दे इक्वल टू है 6 दे इक्वल है तो आपां एक्स इंटू वाई दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स प्लस वाई 4 दे बराबर है एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर वो 6 दे बराबर है तो आपां एक्स वाई दसना है कि बराबर है ये चार ऑप्शन आपां नूं दित्तियां होईयां हैं तो इस तरह के क्वेश्चन विच भी आपां एक आइडेंटिटी लगाउणी हुंदी है अलजबरिक जो आइडेंटिटीज हैं उस विच अपने को ये आइडेंटिटी तुसीं कीती होगी काफ़ी बार ए प्लस बी का स्केयर किस दे इक्वल टू होएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab ते इत्थे अपने को ए बी की जगह इत्थे एक्स वाई हैं इसलिए आपां ए की जगह एक्स ते बी की जगह वाई लैके आपां इस आइडेंटिटी नूं यूज करना है हुण ध्यान नाल देखो किस तरह एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर किस दे इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वेयर एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy हुण जिहड़ी जिहड़ी वैल्यू तुहानूं इत्थे दित्ती हुई है वह वैल्यू तुसीं इत्थे फिल कर देनी है ध्यान नाल देखो एक्स प्लस वाई किस दे इक्वल टू है 4 एक्स प्लस वाई की जगह तुसीं इस ब्रैकेट दे विच 4 फिल कर देना है उपर पावर 2 है हुण ध्यान नाल देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ए जो वैल्यू है ये भी तुहानूं दित्ती हुई है एक्स स्केयर वाई स्केयर किस दे इक्वल टू है 6 दे इक्वल टू है प्लस 2xy एज इट आ जाएगा हुण 4 स्केयर 4 का स्केयर का मतलब होंगे 4 इंटू 4 दैट इज 4 इंटू 4 16 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 2xy हुण 6 नूं इधर आके माइनस कर दिओ जो 6 इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा इधर की बच जाएगा 2xy हुण ध्यान नाल देखो जो 2xy है वो किस दे इक्वल टू आ जाएगा 16 दे विचों 6 नूं माइनस कर देना आपां 10 आ जाएगा आपां हुण फाइंड आउट करना xy दी वैल्यू ते इत्थे xy दे नाल 2 है इस 2 नूं इधर आपां डिवाइड कर देना है xy किस दे इक्वल टू आ जाएगा 10/2 2 नाल इस नूं डिवाइड करांगे ते ये अपने को 2 दे टेबल विच 10 किथे कटा जाएगा 5 ते इट मीन जो x इंटू वाई है वो किस दे इक्वल टू आ गया अपने को
फाइव दे इट मीन केड़ी ऑप्शन अपने को राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट थानू क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लग गए होंगे अज की वीडियो में आप 10 क्वेश्चन ही करांगे तो इस तो जो नैक्सट वीडियो विच मैं जो इस तो अगले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो जेकर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो इस लाइक शेयर जरूर कर देना मेरे चैनल में सबसक्राइब कर देना तो बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना तो मेरी नैक्सट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके धन्यवाद।